पदाधिकारी की अध्यक्षता में खरीफ महाअभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि प्रौद्योगिक प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा किया गया, जिसमें कृषि के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भुवन कुमार, सभी प्रखंडों के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, कृषि वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान आदि शामिल थे। बताते चले कि हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। 2022 की जानकारी। कृषि के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे डीपीआरओ साहब और प्रखंडों से आए हुए सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, बीटीएम एटीएम, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, प्रगतिशील कृषक बंधु, जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु, जैसा कि विदित हो हर वर्ष हम लोग खरीफ और रबी वर्षों में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है। आज खरीफ 2022 महोत्सव की शुरुआत की गई है और जो यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं, जो हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी हैं और जो कृषि कार्यालय से संबंधित हैं और अलाइड से जो संबंधित हैं, उनके साथ हम लोगों ने शुरुआत की। उनके माध्यम से ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से किसानों की जो आय वो बढ़ाई जाए, केवल जो परंपरागत खेती है उससे न बढ़ के, उससे आगे बढ़ के हम लोग अलाइड सेक्टर, चाहे पशुपालन उसके साथ हो या प्रोसेसिंग से संबंधित हो, जो हम लोगों का हॉर्टिकल्चर है, फूल है, फल है, इनको भी लें, ताकि केवल जो किसानों के जो आय के जो स्रोत है कि केवल अगर फसल जो रोपनी या कटनी के समय जो उस पर निर्भर है वो चीज़ ना हो, उनको साल भर किसी न किसी तरीके से इनकम मिलती रहे और एक ही फसल पर डिपेंडेंसी कम हो, ताकि उसी तरीके से उनकी आय भी बढ़ेगी। और जो आप लोग देखते हैं कई बार, एक हम लोगों के कभी भी किसानों का अगर आप देखेंगे आसमान को देखते हुए किसान और फटी हुई ज़मीन की जो एक दर्दनाक फोटो है, वो चीज़ हटे, वो जो सोच है किसान लगातार उसको इनकम मिलती रहे और रिलायबिलिटी डिपेंडेबिलिटी पर किसी एक चीज़ से ना हो के अलग अलग चीज़ों पर जाए, यही लक्ष्य है इसी की तरफ आगे बढ़ने का। सर बेगूसराय में सर सब्जी उत्पादक किसान जो है उनके सब्जियों को सिर्फ खरीदने वाला कोई नहीं है, वो ऐसे बाजार मीडिया के माध्यम से उनको भी इसकी जानकारी मिली कि कई क्षेत्रों में जो हमारे किसान हैं उनका ये इस तरह का बात आई है कि बम्पर फसल हो गई और उनको जो उपज है उसके हिसाब से जो उनकी मेहनत लगी पैसा नहीं मिल रहा, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप जान रहे हैं कि सहकारिता विभाग जो बिहार सरकार का है उसकी तरफ से तरकारी करके भी एक ऐप है और इस तरह की चीज़ें हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके स्टोर्स में संपर्क करें ताकि वो लोग इनसे लिंक हो जाएं और उनको साल भर का एक रेट टाइप का मिल जाए। जैसे बड़े शहरों में आप देखते हैं कि डोर टू डोर डिलीवरी का सब्जियों का चीज़ है, तो बिहार सरकार ने भी इस चीज़ की शुरुआत की है और कई जिलों में ये शुरुआत हो गई है। चाहो मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम लोग सहकारिता विभाग से लेकर अपने जिले में भी शुरू करें, ताकि वैसे किसान जिनकी के उपज हो गई है और उचित मूल्य नहीं मिल रहा है उनकी सब्जियां बर्बाद है। सर इसके लिए तो फिर जागरूकता अभियान नहीं, उसको कराएंगे समय से।